हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई ब्लॉग या क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि आज मैं कुछ बताने वाला हूँ कि रेलवे अपना जो रिजर्वेशन टिकट होता है वो कैसे काटें, कैसे बुक करें स्टेशन में जाके, ऑनलाइन पे नहीं स्टेशन में जाके, उसका फॉर्म फिलअप कैसे करें वगैरह वगैरह सब कुछ। तो मैं आप ज़्यादा कुछ बकचोदी नहीं करके, बिना बकचोदी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले इधर ट्रेन का नाम और नंबर कुछ भी आप एक डाल सकते हैं। अगर ट्रेन का नंबर याद नहीं है तो आप ट्रेन का नाम भी डाल सकते हैं। उसका नीचे है इधर क्लास, यानी कि आप फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी या स्लीपर जिसमें भी आप जाना चाहते हैं वो इधर लिखिए। उसका नीचे है इधर स्टेशन फ्रॉम, यानी कि कौन से स्टेशन से आप जाएंगे वो लिखिए। और साइड में टू, यानी कि कहाँ तक, किधर, कौन से स्टेशन तक आप जाएंगे। तो मैं MGR चेन्नई सेंट्रल से खड़गपुर जंक्शन तक जाऊंगा, तो मैं ऐसा लिखाऊं। आप खड़गपुर को KGP भी कर सकते हैं। उसका ऊपर है इधर डेट है, यानी कि आप कौन से डेट पे जाएंगे वो आप लिखिए इधर। और इधर ये कितना सीट आप लेंगे वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। इधर नीचे मोबाइल नंबर डालिए, उसका नीचे है। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि एक फॉर्म पे आप 6 लोगों का टिकट बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अकेला जा रहा हूँ, तो मैं खुद का अकेला का मैं नाम लिखा हूँ। तो इधर अपना नाम डाल दीजिए, अगर आप लड़का हैं तो एम, अगर लड़की हैं तो एफ डालिए, मेल या फीमेल। साइड में एज है, तो आपका एज कितना है वो डाल दीजिए। तो दोस्तों वैसे तो ये हो गया आपका टिकट काटने के लिए। नीचे ये जो लिखा है ये रिटर्न आने का टिकट है, यानी कि आप वापस मतलब आने का रिटर्न टिकट अगर बुक करना चाहते हैं तो ये नीचे का भी फिल कीजिए, नहीं तो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि लिखना ही है तो लिख दीजिए। ऊपर जो लिखा है ना आप सेम इधर भी डाल दीजिए। इधर ट्रेन का नंबर, क्लास, कहाँ से जाएंगे, किधर तक जाएंगे और डेट भी। नीचे इधर फुल एड्रेस पे अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिए, जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है ना वही डालिए। उसका नीचे मोबाइल नंबर, साइड में डेट है, और इधर आपका एक सिग्नेचर चाहिए, यानी आपका एक साइन चाहिए। तो मैं सब कुछ करके रेडी करके रखा हूँ, इसलिए मैं दिखा दिया। तो आप लोग भी दोस्तों इस तरह से फिलअप कीजिए और टिकट बुक हो जाएगा स्टेशन में जाके। तो दोस्तों अभी भी अगर आपको समझ में ना आए कि चलिए फॉर्म फिलअप तो हो गया लेकिन अब करना क्या है स्टेशन में जाके, तो इसके लिए मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट। मैं स्टेशन में जाके दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी कैसे क्या करना है, किधर जाके क्या करना है तो टिकट मिलेगा। तो जो भी है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।